मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में मांगलिया स्थित सांची दुग्ध प्लांट में आयोजित कर्मचारी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम यादव ने कहा कि सांची दुग्ध संघ और कर्मचारियों को समितियों के माध्यम से सशक्त करते हुए प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 51,000 से अधिक गांव हैं, बावजूद इसके दुग्ध उत्पादन में हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले पीछे हैं। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन एवं उससे निर्मित होने वाले उत्पादों का विकास कर दुग्ध उत्पादन में नंबर वन बनाएंगे। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और इससे जुड़ी सहकारी समितियों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही सांची दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी अथवा आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसी दौरान सीएम ने पशुपालन के व्यवसाय से जोड़कर आय के साधन के साथ साथ जीवन अमृत से जुड़ने का संकेत दिया। आप सबकी जानकारी के लिए कि हमारे पास दुग्ध संघ के माध्यम से अगर भारत में दूध के उत्पादक प्रदेशों की बात करेंगे तो भारत में तीसरा सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य की गिनती में मध्य प्रदेश आता है, लेकिन अभी ताली आधी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो नंबर वन और टू पे है वो राज्य है क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उनकी और हमारे में क्या अंतर है, तो हम ये मान के चलो कि पूरे देश के उत्पादन क्षमता में नवा नंबर हमारा 9% का है, लेकिन जो क्रमांक तीसरा है और ये राजस्थान और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 18 से 20% तक दूध उत्पादन करवाते हैं। राजस्थान ने पिछले 4-5 साल पहले एनडीडीबी के माध्यम से एमओयू किया और उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कुशलता हासिल की। यही स्थिति हमने जोड़ी है कि हमारे यहाँ लगभग आज की स्थिति में 51,000 से ज्यादा गांव है और बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन की क्षमता योग्यता सब कुछ है, लेकिन हमारी दो दुविधा है कि दुग्ध संघ के माध्यम से 1980 से जब हमने कदम बढ़ाए तो ये मालवा का बेल्ट, जैसे इंदौर दुग्ध संघ हमारा बहुत अच्छा है, 700 करोड़ का टर्नओवर है, काफी बड़ा आपका रिच इलाका है।